All right, the Haryana top cop is addressing a press conference. Let's cut across. सेक्टर 6 पंचकूला के अस्पताल में लाया गया था क्योंकि उस समय तक हमारी सूचना थी कि बीमारी के बारे में सूचना थी। अस्पताल में लाके रखा गया, डॉक्टरों की टीम ने निरीक्षण किया और फिट करार दिया। तो उसी वक्त अभियुक्त को सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन पंचकूला में शिफ्ट कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय से हमने रिक्वेस्ट की थी कि पेशी आज ही कर ली जाए, जो उस प्रार्थना को स्वीकार किया गया तथा 2 बजे अदालत में पेश किया गया। इसके पश्चात 28 नवंबर को फिर से माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना के केस में पेशी होगी तथा अब उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए हिसार पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अब तक 459 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ लोग और भी अभी हैं जिनसे पूछताछ जारी है। इन 459 में 118 व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं, 116 हरियाणा के रहने वाले हैं, 72 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 10 बिहार के, 83 यूपी के और 3 नेपाल के रहने वाले हैं। इनसे अभी पूछताछ होगी। इसके अतिरिक्त रामपाल के एक सहयोगी बलजीत को भी गिरफ्तार किया गया है, जो 2IC रामपाल का कहा जाता है। बलजीत की बेटी बबीता को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 10 हार्ड डिस्क, 17 CD, 3 टेलीफोन डायरी और 5 फाइल बरामद हुई है। एक विशेष टीम इन सभी उपकरणों को स्कैन करेगी और इसमें जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी वो समय अनुसार आपके साथ साझी की जाएगी। इसके अतिरिक्त रामकंवर ढाका, जो अवमानना के केस में भी एक और अभियुक्त है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पुरुषोत्तम, राम अवतार इत्यादि अन्य मुलजिम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 2 अन्य मुकदमे FIR नंबर 429 और 430 भी थाना बरवाला में दर्ज किए गए हैं। दोनों ही ये मुकदमे मर्डर से संबंधित हैं और जो 6 मृत्यु हुई हैं वो इन दोनों मुकदमों में कवर की गई हैं और इन मुकदमों में इन मृत्युओं का आरोप रामपाल और उसके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले इन मृतकों के वारिसान ने लगाया है। इन सभी 6 मृत शरीरों का पोस्टमार्टम हो चुका है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कोई अपेरेंट इंजरी नहीं पाई गई, लेकिन 2 केस में, संतोष और राजबाला के केस में, इंटरनल इंजरीज रिब फ्रैक्चर की पाई गई हैं। लेकिन पोस्टमार्टम का बोर्ड इसके बारे में कोई भी राय केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के बाद में देगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इनसे संबंधित पूरी तहकीकात की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज भी आश्रम से लोगों का निकलना जारी रहा और 4000 के आसपास कुल व्यक्ति, जिसमें लगभग 1500 महिलाएं हैं, आज भी आश्रम से बाहर निकले हैं। अब आश्रम पूरी तरह से खाली है। हमारी SIT, जिसके हेड जो हैं वो SP हिसार हैं, उसमें 2 DSP हैं, 4 इंस्पेक्टर हैं, एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के SSO हैं और स्पॉटिंग स्टाफ है और जिसके साथ एक साइबर यूनिट, ये जो लैपटॉप और हार्ड डिस्क इत्यादि पकड़े गए हैं इनकी जांच के लिए सहयोग करने के लिए लगाया गया है। ये टीम सर्च वारंट के साथ थोड़ी देर पहले आश्रम में दाखिल हो चुकी है। आश्रम का एरिया बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि ये सर्च हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है और वहाँ पर सामान इत्यादि भी बहुत है, गहन सर्च में कुछ समय लगने की संभावना है। मुझे